الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله رب العالمين كي حمد ثناء और प्यारे नबी सर अनगिनत व बेशुमार सलाम के बाद अल्लाह का शिक्र एहसान है कि उसने हमें फिर मुबारक के महीने के गुज़रने के बाद रमज़ान से पहले की तरह फिर इस अपनी इबादत गाह के अंदर अपने दिन के ताल्लुक से उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के तल्ल से फिर बैठने की तोफ़ीक़त फरमाई अल्लाह रबुलमी से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाते हुए हमें इस बात की क़वत और ताक़त और इस बात की तोफ़ीता फरमाए कि हम अपने इस मिशन को जारी रख सकें और इस मिशन को मिलजुल करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें आज के मौजू आज के दर्स का मौजू है उम्मत क्यों और कैसे मौजू बहुत अहम है और ज़रूरत है कि इस मौजू के ताल्लुक से मेहनत और कोशिश की जाए और इसकी अहमियत और ज़रूरत समझी जाए इस मौजू के दो शिक हुए इतिहाद उम्मत क्यों और कैसे कोई भी काम करने से पहले इंसान ये सोचता है इसका फ़ायदा क्या है हम जो काम करने जा रहे हैं इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है चाहे वो फ़ायदा दुनिया का हो या आखिरत का हो लेकिन हमारे सामने ये टारगेट होना चाहिए कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं इससे हमें फ़ायदा क्या होगा और जब ये यकीन हो जाए कि फ़ायदा है इसका तो फिर कदम बढ़ाने के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम कैसे इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि वो फ़ायदा हमको हासिल हो जाए तो सवाल ये है क्या उम्मत के इतहाद की ज़रूरत है और जब ये जुमला बोला जाता है कि इतिहाद उम्मत तो फिर सवाल ये पैदा होता है इसकी क्यों ज़रूरत है क्या उम्मत के अंदर इख्तलाफ है तो जाहिर सी बात है बीमारी जब होती है तभी इलाज तलाश किया जाता है और इस वक्त उम्मत इख्तलाफ़ की बीमारी का शिकार हो चुकी है और बुरी तरह शिकार हो चुकी है बल्कि एक ही मनहज फ़िक्र और एक ही मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया है और इस तरह से शैतान की चालें उसकी साजिशें हद दर्जा कामयाब नज़र आती हैं इस उम्मत को तोड़ने में इस उम्मत को कमज़ोर करने में और इस उम्मत को एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करने में तो इसलिए जहाँ इस्लाम का वजूद या इस्लाम का नज़ूल इसलिए हुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत की जा सके वहीं इस्लाम ने उन चीज़ों पर भी नज़र रखी कि किन चीज़ों की वजह से इस इबादत में खलल पड़ सकता है या इस इबादत को बजा लाने वाले लोगों में कमज़ोरी पैदा हो सकती है और इस इबादत की हकीकत तक पहुंचने में इंसान को दुश्वारी पैदा हो सकती है उस पर भी नज़र रखी इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को मिलजुल करके एक बन करके के से दूर रह करके रहने का हुक्म दिया इख्लाफ बहुत बड़ी बीमारी है कतः नज़र इसके कि मुसलमान या गैर मुस्लिम कोई भी कौम अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती है खुशहाली की ज़िंदगी गुजारना चाहती है इत्मीनान की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती है अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो उसे मुतहद होना ज़रूरी है इख्लाफ ये अमन व अमान का दुश्मन है इख्लाफ ये इज्जत का खून करने वाली चीज़ है इख्तलाफ ये सुकून इत्मीनान का खात्मा करने वाली चीज़ है आप देख लें छोटा सा खानदान छोटी सी फैमिली अगर उसके अंदर फैमिली मेबर्स जो हैं उनके दरमियान इख्लाफ पैदा हो जाए तो वो फैमिली टूट जाती है वो फैमिली इंतशार का शिकार हो जाती है वो फैमिली जो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी सदत की ज़िंदगी गुजार रही थी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही थी इख्तलाफ़ पैदा होने की सूरत में उस फैमिली का जनाजा उठ जाता है छोटी सी फैमिली तो फिर ये एक उम्मत ये उम्मत इस्लाम अगर इसके अंदर इंतशार पैदा हो जाए इसके अंदर इख्तलाफ़ पैदा हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत में ये उम्मत भी ज़िल्लत का शिकार हो जाएगी ये उम्मत भी बदअमनी का शिकार हो जाएगी ये उम्मत भी अदम सुकून और अदम इतमान का शिकार हो जाएगी जो कि सूरत हाल फ़िलहाल हमारे यहाँ पाई जाती है और देखें ये चीज़ एक छोटे से ख़ानदान से शुरू होती है और उसका दायरा वसी होता चला जाता है जिस तरह से कि इस्लाम मक्के में एक दो तीन चार अफराद से स्टार्ट हुई इस्लाम की जो है का इंतशार और इस्लाम का फैलाव और बढ़ते 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 इस वक्त दुनिया के अंदर इस्लाम का इंतशार हो गया इस्लाम फैल गया तो इसी तरह से ये कोशिश जो इतिहाद की है ये कोशिश जो उम्मत को आपस में मिलाने की है ये कोशिश भी अफराद के ज़रिए पैदा होती है एक शख्स दीन इस्लाम की दावत लेकर के उठता है और उसके साथी बनते जाते हैं काफ़िला बढ़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी दुनिया में उसकी दावत फैल जाती है तो इसलिए आदमी को ये सोचना नहीं चाहिए कि एक आदमी क्या कर सकता है नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ज़ोर दिया है और बहुत ही एहतमाम का हुक्म दिया है कि जहाँ भी इख्तलाफ़ पैदा हो इस्लाह का इकदाम बढ़ाया जाए इस के कदम को आगे बढ़ाया जाए अल्लाह ताला ने कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बेसदतिन अव अव मारूफिन असलाह बन्नास कि कोई भलाई नहीं है चेमी गोइयों में तन्हाई की गुफ्तु में सिवाय उस चीज के अंदर कि कोई आदमी किसी को सदके का हुक्म दे रहा हो या किसी भली बात का हुक्म दे रहा हो या लोगों के दरमियान इसलाह कर रहा हो और इसी इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक छूट दी गई कि अगर दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इस्लाह की सूरत झूठ बोल के पैदा होती है तो आप झूठ बोल दीजिए इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगता है कैसे झूठ बोलेंगे झूठ इस तरह से बोलेंगे कि दो आदमियों के दरमियान इख्तलाफ़ है दोनों के दरमियान नफ़रत है लेकिन एक आदमी इस्लाह पैदा करना चाहता है हम हमारे माशरे में क्या है हमारे माशरे में यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब जानते हैं कि दो आदमियों के दरमियान अख्तलाफ है दो फैमिलियों के दरमियान अख्तलाफ पैदा हो गया तो वो उस उसिलाफ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बातें भी एक दूसरे के पास पहुँचाते हैं जो नहीं कही गई होती हैं जो नफरतों में आग लगाती हैं ऐसा उसलूब और ऐसा किरदार बहुत सारे लोग अदा करते हैं जबकि इस्लाम में झूठ को जवाज़ करार दे दिया गया इस्लाह के लिए कि इसके बरक्स होना चाहिए ऐसी बातें मोहब्बत की बातें प्यार की बातें जो दोनों तरफ से नहीं कही गई हैं आदमी पहुंचाए तो इस तरह से दिल के अंदर नरमी का पहलू होता है कुर्ब पैदा होता है नज़दीकी पैदा होती है और ये नज़दीकी इस दर्जा पहुंच जाती है कि उन दोनों दिलों के अंदर जो नफ़रत पैदा हुई थी इस झूठ के जरिए ख़त्म हो गई और दो दिल मिल गए तो इतिहाद की ज़रूरत है इसमें किसी तरह के किसी शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है उम्मत को मतहद होना बेहद ज़रूरी है इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ने हमें मतहद रहने का हुक्म दिया न तफरकूँ वक्तलफूँ उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो तफरक़े का शिकार हो गए इख्तलाफ का शिकार हो गए जा जामुलबैनात बाद इसके कि उनके पास बैनात आईं अल्लाह की आयत आईं जो उन्हें मुतहद रह करके मोहब्बत के साय में ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देती हैं लेकिन इख्लाफ का शिकार हो गया अल्लाह ने उन फरमाया कि उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो इख्लाफ का शिकार हुए तो अल्लाह का हुक्म है कि उम्मत को मुतहद रहना चाहिए इसीलिए अगर आप गौर करें तो आप देखें कि बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो हम मुतहिद होकर के अदा करते हैं मिसाल के तौर पर नमाज है नमाज को हम एक साथ अदा करते हैं एक इमाम के पीछे जब वो अल्लाह अकबर कहता है उसके बाद हम अल्लाह अकबर कहते हैं जब वो सजदा करता है हम उसके पीछे सजदा करते हैं रुकू करते हैं सब कुछ करते हैं जब वो सलाम फेरता है तो उसके बाद हम सलाम फेरते हैं इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि ये उम्मत उम्मत वाहिदा है एक उम्मत है इख्तलाफ से दूर रहने वाली उम्मत है आपस में मिलजुल करके अपने काफिले को और अपने मिशन को आगे बढ़ाने वाली उम्मत है इसी तरह से हज को ले लीजिए कितना प्यारा मंजर होता है हज का मिना से हाजी निकलता है अरफात अरफात के मैदान में सारे के सारे लोग इकट्ठा हैं एक ही मैदान के अंदर और अपने एक रब से लौ लगाए हुए हैं सूरज डूबते ही सूरज नहीं डूबता उससे पहले कोई वहाँ से निकलता नहीं और जैसे ही सूरज डूबता है सारी उम्मत वहाँ से निकल पड़ती है इतिहाद का पैगाम मुस्तलफ़ा आते हैं मुस्तलफ़ा में भी माजूरों को छोड़ करके सारे लोग फजर तक वहाँ टिकते हैं और सूरज निकलने के बाद थोड़ी दूर देर दुआ करने के बाद फिर मीना में आ जाते तो हज के अंदर जो भी काम हो रहे हैं अक्सर उम्मत मुतहद होकर के कर रही है और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ये अदा हो रही है तो बहुत सारी इबादत को भी अल्लाह आलमीन ने हमें एक मुत होने के पैगाम को देते हुए उन इबादत को मतहद तौर पर अदा करने का हुक्म दिया इसी तरह से आप देख लें एक ही किताब है जिस पर हम सब का ईमान है एक ही किबला है जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं एक ही नबी है जिसे हम और मुरसलीन मानते हुए उस पर ईमान रखते हैं और उसके अवामिर और उसके नवाही को हम फॉलो करते हैं मानते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर इतिहाद का पैगाम है तो इसलिए इतिहाद बेहद ज़रूर इज्जत बिला इतिहाद हमें हासिल नहीं हो सकती आप देखें तारीख का मताल कीजिए जब लोग कम थे और मुतहद थे तो इज्जत वाले थे और आज लोग ज़्यादा हैं मुख्तलफ़ हैं तो बेइज्जत हैं कोई कीमत नहीं है कोई क़दर नहीं है क्यों इसी इख्तलाफ़ की वजह से और ये जुमला मतलब ये आमतौर पे कहा जाता है कहते हैं कि लड़ाओ और अपनी रोटी सेंको लड़ाओ और हुकूमत करो पता ये चलता है कि लड़ाई बहुत बड़ी बला है बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत बड़ी उम्मत मुस्लिम को इज़्ज़त के रास्ते से निकाल करके ज़िल्लत के रास्ते पर लगाने वाली है आज हाल ये हो गया है कि साहब एक ही दीन के मानने वाले एक ही नबी पर ईमान लाने वाले एक ही रब की इबादत करने वाले उनके दरमियान इख्लाफ इस दर्जा बढ़ा हुआ है कि साहब सिर्फ अख्तिलाफ़ नहीं है बल्कि उनको नुक़सान पहुँचाने के लिए उनको अजियत पहुँचाने के लिए उनको तकलीफ़ देने के लिए नतीजा यहाँ तक पहुँच गया है कि पुलिस स्टेशनों तक पहुँच जाते हैं लाठी डंडा लेके पहुँच जाते हैं और तरह तरह से हरासा करते हैं एक ही उम्मत है एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं एक ही नबी पर ईमान रखने वाले हैं क्यों है ऐसा ये एक शैतानी हीला है एक शैतानी फंदा है जिसके अंदर ये उम्मत मुबतला हो गई है नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि इस इख्तलाफ और इंतशार ने कत्ल तक की नौबत पहुँचा दी है बाज़ इलाकों में बाज़ इलाकों में कत्ल तक हो गया है किस कितने शर्म की बात है कितने अफसोस की बात है कि एक ही कलमा पढ़ने वाला अपने दूसरे भाई को कत्ल करता है और यह समझता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी अजीब व गरीब बात है इस्लाम ने तो ये कहा था कि इस उम्मत को बुनियाने मरसूस की तरह हो जाने चाहिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह और ये उसी वक्त ये मिसाल दी है अल्लाह आलमीन ने कहा बुनियान मरसूस या अल्लाह के बंदे जो है ऐसे ही हैं जैसे कि एक सीसा पिलाई दीवार हो कि उसको कोई तोड़ ना सकता हो या उसको तोड़ने में उनको बेइंतहा मेहनत लगानी पड़ती हो तो आज अगर उम्मत उम्म होती आज इस दौर में अगर उम्मत मुतहद होती तो जो वक्त इस उम्मत पर आया हुआ है वो वक्त नहीं आता आज तो ख़ुद मुसलमान इस्लाम की जड़ें खोद रहे हैं इख्तिलाफ़ पैदा करके इंतशार पैदा करके तो इसलिए जो है अगर हम इज्जत चाहते हैं जान की हिफाजत चाहते हैं माल की हिफाजत चाहते हैं इज्जत की हिफाजत चाहते हैं अल्लाह की रजा चाहते हैं दुनिया और आखिरत में सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी चाहते हैं तो अल्लाह के लिए हमें इत्तेहाद पैदा करने की बेहद ज़रूरत मामूली मामूली इख्तलाफ़ात उनको हवा नहीं देनी चाहिए उनके ख़ात्मे की कोशिश करनी चाहिए जो भी इलाफ पैदा हो तो इसलिए इत्तेहाद उम्मत की बेहद ज़रूरत है इसके बगैर इज़्ज़त नहीं मिल सकती है इसके बगैर सुकून नहीं मिल सकता है इसके बगैर मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती और मोहब्बत जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हम मुतहद नहीं हो सकते इसलिए हमें मोहब्बत अपने माशरे में बाँटना है उल्फत अपने माशरे में बाँटना है दुनियावी मकासद को पीछे छोड़ करके अपने दीनी मकसद को आगे बढ़ाना है और दीनी मकसद सबका एक होता है और जब सबके मकासदे एक हों तो एक हो करके आगे हमें कदम बढ़ाना चाहिए और इस सिलसिले में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने घर के अंदर अपने पड़ोस के अंदर अपने गांव के अंदर बस्ती के अंदर टाउन के अंदर दायरा उसी करना चाहिए अमन अमान का पैगाम हमें आगे बढ़ाना चाहिए इसी के ज़रिए इतिहाद पैदा होगा इसी के ज़रिए मोहब्बत पैदा होगी इसी के जरिए उल्फत पैदा होगी इसी के जरिए पुरसकून माहौल पैदा होगा और इसी तरह से इसी के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन को आगे बढ़ा सकेंगे इसका नशर कर सकेंगे इसको लोगों के दरमियान जिन तक ये इस्लाम नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचा सकेंगे आज हमारे इख्लाफ और इंतशार को देख कर गैर कौमें पीछे हट रही हैं वो ये कहती हैं कि साहब ये कैसा दिन है कि जिसके अंदर एक भाई को दूसरे भाई के काटने की इजाज़त है ये कैसा दिन है जिसके अंदर अल्लाह की इबादत गाह अल्लाह की मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट करने की इजाज़त है इबादत करने वाले लोग सजदे में गिरे लोग रुकू करने वाले लोग क़्याम में लोग ऐसे लोगों को ब्लास्ट के ज़रिए उन्हें मार दिया जाता है यह कैसा दिन है उन्हें यह नहीं पता उन्हें हकीकत नहीं पता है इस्लाम की कि इस्लाम है असल क्या लेकिन वो इस तरह के जाहिल मुसलमान इस तरह के शैतानी साजिशों को नाफि करने वाले मुसलमानों को देख करके ये समझते हैं कि इस्लाम यही है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस्लाम का और इसकी वजह से हर मुसलमान उनकी निगाह में क्या लगने लगा है दहशतगर्द लगने लगा है हर मुसलमान उनकी निगाह में अमन व अमान का कत्ल करने वाला इंसान लगने लगा है हालांकि इससे पहले इस फितने से पहले अगर आप तारीख़ पढ़ें बहुत सारे लोगों के इस्लाम के वाकयात का मुताला करें तो वो ये समझते थे कि ये कौम अमन व अमान का पैगामबर है ये कौम मोहब्बत को बांटने वाली नफरत को ख़त्म करने वाली कौम है ये कौम गरीबों और मिसकिनों का ख्याल करने वाली कौम है ये कौम लोगों के ऊपर दस्ते शफकत रखने वाली कौम है लेकिन आज इसी अख्तलाफ फिक्री अख्तिलाफ सबसे पहले और फिक्री अख्तलाफ ही सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि इस्लाम को हम अपने मिजाज के मुताबिक समझें इस्लाम को अपने हिसाब से समझें तो ये चीज़ फिर आगे चल के इसी दहशतगर्दी का पेश खेमा बन जाती है तो इसलिए जब इख्लाफा इस दर्जा पहुँच गए हों तो हर फर्द की कोशिश होनी चाहिए कि वो कोशिश ये करे कि उम्मत के अंदर इतिहाद किस तरह से पैदा होना चाहिए तो इतिहाद उम्मत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से शुरू करें अपने अख्तिलाफ को ख़त्म करें उसके बाद अपने ख़ानदानी इख्तों फातों उनको ख़त्म करके उसको मुतहद करें उसके बाद गाँव के लोगों को मुतहद करें मोहब्बत प्यार्फत और एक दशे एक दूसरे की खैर खाही का माहौल हसब इस्तात जो है बनाएं अब सवाल यह है कि कैसे हो इतिहाद इतिहाद उमत ज़रूरी है लेकिन हो कैसे इतिहाद ये भी अल्लाह ताली ने हल कर दिया और उस हल के अलावा कोई सूरत पैदा नहीं हो सकती है जब हम एक ही नबी को मानते हैं एक ही किताब को मानते हैं एक ही किबले की तरफ़ हमारा रुख होता है इबादत में नमाज़ के अंदर और एक ही रब पर हमारा ईमान है तो फिर हमें इतिहाद कैसे पैदा हो वो भी उसी रब से पूछना है जिसने हमें इन चीज़ों के अंदर मुतहद किया हुआ है ईमान हमारा अल्लाह की किताब पर ईमान हमारा आखिरी नबी वसल्लम पर इजमालन और तफसीला और दीगर अम्बिया पर जितने भी अम्बिया आए सब पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के रसूल थे अपनी अपनी कौम के लिए इसी तरह से अल्लाह पर ईमान है तो हमें ये पूछना है कि एल्ला हमें इतिहाद चाहिए उम्मत का लेकिन इतिहाद हम कैसे पैदा करें क्या हर इंसान अपने अपने मिजाज से एक असूल और जब्ता बनाए और उस तरफ़ दावत दे और कहे मुतहद हो जाओ नहीं हो सकता इसलिए कि इंसानों के जहन मुख्तलिफ़ और इंसानों के मकासद मुख्तलिफ़ तो इख्तलाफ़ तो ख़त्म नहीं हो सकता है लेकिन जिसने इस इंसानियत को पैदा किया है उसे पता है कि इतिहाद कब और किस सूरत में पैदा होगा और उस ताल्लुक़ से मैंने वो आयत पढ़ी सूरह बकरा की और दूसरी एक आयत है जो अल्लाह अल्लाहबालमिन सूर निसा के अंदर इशाद फ़रमाया कि कल्याकताबी कली मतिन सवाबैन अल्ला अल्लाबाला वाल नशरी कभी ही शईला तखीदबादू नाबादुल अरबा मिन्दू इसके अंदर अल्ला रब्मिन ने इतिहाद कैसे पैदा हो उसका जिक्र कर दिया उसके बगैर इतिहाद पैदा नहीं हो सकता अगर उम्मतों की तारीख उम्मत इस्लाम़िया के अख्तलाफात की तारीख़ अगर आप पढ़ें और उसको देखें तो इख्तलाफ की इब्तदा जहाँ से हुई है वो अकीदे के इख्तलाफ से हुई है अकीदा मुख्तलिफ हुआ उसके बाद जो है उम्मत के अंदर इख्लाफ बढ़ गया तो जहाँ से जिस वजह से इख्लाफ पैदा हुआ है वो सबब ख़त्म करना पड़ेगा और उसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या फरमाया कि व बिहबलिल्लाह बेहब कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो वला तफर और इख्तिलाफ का शिकार ना हो दूसरी जगह फरमाया कुल या अहले किताब इला रब फरमाए अल्लाह ने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो दूसरी जगह कहा इस रस्सी को मजबूती से पकड़ करके आदमी इख्तलाफ का शिकार न होने का सबब क्या है वो बताया बताया एक ऐसी जाम और इंतहाई जबरदस्त उसूल की तरफ़ आओ कि जिस पर अगर तुम मुतफ़ और मुतहद हो गए तो फिर तुम्हारे तमाम इख्लाफा ख़त्म हो जाएंगे और तुम मुतहद हो जाओगे क्या है वह अल्ला नाबूद अल्ला वालानुश्री कभी ही शै वला बद अरबा मिंदून अल्लाह तरमाया कि अहले किताब ऐसी बात की तरफ आओ ऐसे कलमे की तरफ आओ कि आसमानी पैगामात के अंदर आसमानी रिसालों के अंदर नबियों की दावत के अंदर वो चीज़ मुतहद है उसमें इख्लाफ नहीं है ना हमारे दरमियान न तुम्हारे दरमियान एक ही पैगाम देकर के भेजा अल्लाह रब्बुल रबुलमी ने सबसे पहले तमाम अम्बिया और रसुल को क्या अब वालश्री का भी शै कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना करें जिसको हम तो कहते हैं देखें तोहै लफ्ज़ तो के अंदर इतिहाद का मादा पाया जाता है तोहद में इतिहाद का मादा पाया जाता है इससे पता ही चलता है कि कोई भी उम्मत उस वक्त तक मुतहद नहीं हो सकती है जब तक कि वो माहिद ना हो आज खुद मुसलमानों के दरमियान जो मुनाजरे हैं जो इख्लाफा हैं जो लड़ाइयाँ हैं जो झगड़े हैं इसी अकीदे की बुनियाद पर हैं आप अगर ग़ौर से सोचें तो वो अकीदे का ही मसला है अकीदे में मुख्तलिफ हुए इसलिए इख्तलाफ का शिकार हैं तो अल्लाह ने कहा, अकीदे में मुत्तहिद बन जाओ तुम सारे के सारे मुतहद हो जाओगे अल्लाह जो है अल्लाह वाद के इबादत गुजार बन जाओ उसकी इबादत में किसी चीज़ को भी शर्क न ठहराओ तो अख्तलाफ़ ख़त्म हो जाएगा यहूद नसारा के दरम्याल्ला तरम तजीद्न्दन्ना से अदावतिन आमूदी अशरकू कि यहूद को और मुशरिकों को सबसे ज्यादा बुज अदावत और नफरत वाला पाओगे तुम वजीदन अक्रबी आमनदीन कलुन्ना नसारा और नसारा जो है यहूद मशरकिन की बनस्बत तुम्हारे ज्यादा करीब है इसीलिए आज अगर आप देखें इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद बमक़ाबिल इन लोगों के नसारा की ज़्यादा है तो अल्लाह रब्लम ने इन अहले किताब से जिनके यहाँ नफ़रतें हैं बुग्ज़ हैं सब कुछ हैं अल्लाह फरमाया तो पे आ जाओ तो हमारा तुम्हारा इखलाफ खत्म मुत्तहिद हो जाएँगे शिरक से बच जाओ तो इससे पता चलता है कि इस उम्म पर सबसे बड़ी लानत जो दाखिल हुई तोहीद के ज़ायक़ करने की वजह से दाखिल हुई शर्क के उम्मत मुसलिम के अंदर पाए जाने की वजह से है और इसी वजह से है कि तकफीरी घने चलती हैं एक दूसरे को काफिर करार दिया जाता है एक दूसरे को जहन्नम का कुंदा बताया जाता है पता नहीं क्या क्या इसी अकीदे की बुनियाद पर अल्लाह ने कहा अगर मुहिद बन जाओ तो मुतहद हो जाओ शिरक से बच जाओ अल्लाह की तोहद का नूर अपने सीने में बसा लो मुहिद बन जाओ एक चीज़ तो ये हुई उसके बाद अल्लाह रबुआम ने उस चीज़ का जिक्र किया जो सबब बनी है इस इख्त अकायद की इस तोहीद के ज़ाय होने की शिर्क के हमारी सफों में दाखिल होने का जो सबब बनी है उसका जिक्र किया फरमाया वाला में से बाज बाज को अल्लाह को छोड़ के रब न बनाए अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज्लू इस्लाम में दाखिल हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं था कि हमने किसी को इतखदु अखबार हूँ रबाना अरबा मंदूल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने अपने बड़ों को बुज़ुर्गों को हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बोल देते हैं अपने बड़ों को अहबार और रुहबान जो बड़े लोग थे उलमा थे और इबादत गुजार लोग थे इनको इन्होंने रब बना लिया अल्लाह को छोड़ के तो उस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हमने कभी भी अपने इनको रब तो नहीं बनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व फरमाया क्या इनको हलाल को हराम और हराम को हलाल करने की अथॉरिटी थी कि नहीं थी जिस चीज़ को ये हराम कह देते आप उसको हराम समझ बैठते और जिस चीज़ को हलाल कह देते वो हराम थे आप उसको हराम समझ बैठते कहाँ ऐसा तो था हमारे मौलवियों के अंदर इतना पावर था इतनी अथॉरिटी थी कि वो इसको हलाल कर दें तो हम हराम उसको हलाल समझ लें और जिस चीज़ को वो हराम कह दें शरीयत में हलाल हो तब भी हम उसको हराम समझ बैठते थे कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही रब बनाना है आज हम अपने माशरे का अगर जायज़ा लें तो कितने मसाइल ऐसे हैं जो अल्लाह की किताब से टकराते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से टकराते हैं लेकिन हमारे माशरे में उसको फैलाया जाता है उस पर अमल किया जाता है उसको सबित करने के लिए बड़े बड़े मुनाजरे मुनदद किए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मौलवियों को हमने अपना रब बना लिया इसलिए कि हलाल को हराम शिरक को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तोहद को शिर्क साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कह यहाँ तक नतीजा पहुँचा है कहते हैं कि जो है जन्नत हमारे सामने इतने सालों से अपने जेब वीनत के साथ आती रही मैंने उसकी तरफ तोजो ही नहीं की इसलिए कि इसलिए नहीं की कि शिरक हो जाएगा अल्लाह पर इतने बड़े मुआहिद इतने बड़े मुआहिद बन रहे हैं कुछ लोग कि जन्नत अल्लाह ताला ने क्या फरमाया वतिलकल व तिलकल जन्नतुल्लती बिमा बिमाकुन तुम कि ये जन्नत जो तुम्हें दी गई है तुम्हारे अमल की वजह से दी गई है अल्लाह ताला फरमाता है इला मिन मबिकुम व जन्नतिन दौड़ो तुम अल्लाह की मगफ़रत और उस जन्नत की तरफ जिसकी कुछ ये कहते हैं जन्नत हमारे सामने अपने आप को पेश करती रही हमने ध्यान भी नहीं दिया कि शिरक हो जाएगा इतने बड़े हालाँकि उनकी जिंदगियों का अगर आप देखें कदम कदम पे शिरक है कदम कदम पे शिरक है ऐसे ऐसे अकीदे हैं कि जो है इस्लाम की जड़ें उससे खुद जाती हैं ये सब किस बुनियाद पर आया इसी बुनियाद पर आया कि वह जो है इतख वहबार बान और बामा मिन्दून अल्लाह को छोड़ के इस उन्होंने अपने को अपने बुजुर्गों को अपने बड़ों को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि जो कहें वो सही जिस चीज़ को सही कह दें वही ज़रूरत नहीं कुरान क्या कहता हदीस क्या कहती नबी क्या कहते अल्लाह क्या कहता और जिस चीज़ को हराम कर दें वो सही ज़रूरत नहीं है कि साहब देखें कि कुरान भी इसको हराम कहता है अल्लाह भी इसको हराम कहता है नबी भी इसको हराम कहते हैं मौलवी साहब ने कह दिया तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है तो अल्लाह ताला ने जो इतहाद का उसूल बताया वो सबसे अहम उसूल क्या है कि हम सब को माहिद होना चाहिए आज कोशिशें हो रही हैं सबको एक करने की कैसे एक होंगे अकीदा बटा हुआ है नमाज की बात आएगी या कोई ऐसी बात आएगी वहीं बढ़ जाएंगे कहेंगे नहीं भाई हम तो सजदा जो है ज़मीन पर नहीं मिट्टी पर करेंगे नहीं भाई हम तो जो है सलाम फेरने के बाद जो है दूसरी तरफ रुख कर लिया करेंगे फौरन यानी तरह तरह की चीज़ें तो तौहीद के मौजू पर मतहद होना और मुआहिद होना ये सबसे पहला क़दम है उम्मत के इत्तेहाद का क़यामत की सुबह आ सकती है अगर बंदे मुतहद नहीं माहिद नहीं होंगे तो मुतहद नहीं हो सकते हैं और इसी तरह से दीन के अंदर हराम हलाल जायज़ नाजायज़ करने की अथार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ज़ात को हासिल है वारश वाली ज़ात है बस नबी को भी हासिल नहीं है अथार्टी कि वो अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल या आराम कर दें बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे दीन की तल्ल से ये एक हर्फ भी अपनी तरफ से कह नहीं सकते इजाज़त ही नहीं वलोत तक आलिनबादल मिनहबुलमिन फ़मामीन को मिनदिन हाज़ी अल्लाह तरमाया कि ये अगर हमारे ऊपर ये तक करें तकबी में कहते हैं कि ऐसी बात जो ना कही गई हो किसी की तरफ से कह दी जाए अल्लाह ने नहीं कही नबी ने कह दी ये तक हुआ अल्लाह ने फरमाया बल अकाबिल बास कहते हैं थोड़ी चीज़ को कि अगर कोई थोड़ी बात भी ये हमारे ऊपर बतौर तक यानी हमने नहीं कही हमने इजाज़त नहीं दी कह दें तो क्या हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त वहीद सुना दी लखर निन हुमीन दाहिने हाथ से पकड़ करके हम उनकी शहरक काट देंगे मतलब यह है कि फिर उन्हें जीने नहीं देंगे इतनी बड़ी सजा है किसके लिए नबी के लिए तो नबी को भी हलाल को हराम और हराम को हलाल करने का हक हासिल नहीं है तो उम्मत को हो सकता है किसी फ़र्द को हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद का वाकया मशहूर है सूरह तहरीम का बीवियों के दरमियान तो चलती है बहरहाल तो इस तरह से अल्लाह के नबी वसल्लम ने शहद पी थी आपसे पूछा गया आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने शहद पी है तो कहा शायद उसमें मक्खियों ने कुछ मगाफिर अल नतीजा खुला कलाम यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर शहद हराम कर लिया अपनी जात पर उम्मत के लिए नहीं उम्मत के लिए हलाल है उम्मत खाए पिए लेकिन नबी ने अपने ऊपर हराम कर लिया एक शख्सी मामला था अपने ऊपर हराम किया था बहुत बड़ा मामला तो नहीं था लेकिन हलाल अल्लाह ने सबके लिए किया था नबी के लिए भी और उम्मत के लिए भी तो अल्लाह ताला तला फरमायाबी तो हर रिमुमा हल्ला नबी आपने जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है आपके लिए उसे हराम क्यों कर लिया तब तभी मरदाताजुआ आजिक अल्लाह की रज़ा को छोड़ के अपने बीवियों को खुश करना चाहते हैं अल्लाह गफुररीम कोई बात नहीं अल्ला रहीम है अल्लाह का फूल रही माफ़ कर देगा लेकिन काम गलत हुआ है नबी को लेकिन हमारे माशरे में अल्लाह अल्लाह की पनाह अजीब व गरीब चीज़ है एक औरत मस्किन बेचारी शोहर ने उसको तलाक दे दिया तीन हराम कर दिया उसको अभी हलाल है वो रजू कर सकता है शोहर हराम कर दिया और कहते हैं कि जब एक बुराई करता है आदमी तो दूसरी बुराई की तरफ खींचता है हराम कर करके जना का रास्ता खोल दिया अब हलाला करो वो भी हराम है इस्लाम के अंदर इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि इस उम्मत के इख्तलाफ के असबाब में से एक ये चीज़ भी है कि हमने अपने बड़ों और बुज़ुर्गों को अपने को इतना बड़ा मान लिया इतना बड़ा मान लिया कि नबी से भी आगे उनकी इताअत में हम गुज़र गए उनकी कोई बात गलत ही नहीं समझते उनके बात की तहकीक़ करने की ज़रूरत ही नहीं समझते इस वजह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए हमको बांट दिया हमारे इख्तलाफ़ हमारे दरमियान पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता मतए मुतलक अल्लाह की ज़ात है आमिर मुतलक अल्लाह की ज़ात है हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा नबी का भी नहीं चलेगा नबी सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म और उसके पैगाम को तुम तक पहुँचाने वाले हैं वलाय तखीद अबादन आबादन अरबाबून अल्लाह को छोड़ करके तुम में से बाज बाज को रब ना बनाएं ये चीज़ अगर पैदा हो जाएगी तो इतिहाद पैदा हो जाएगा इसलिए कि उम्मत के अंदर जो अख्तिलाफ़ इख, और ये फितना जो इंतशार का फैला हुआ है ये इसी तरह के लोगों से फैला हुआ है जिनको उम्मत ने अपना रब बनाया हुआ है और इतना ऊँचा मकाम दिया हुआ है इतना ऊँचा मकाम दिया हुआ है जो नबी को भी नहीं मिला अल्लाह की तरफ से हलाल को हराम करने का हराम को हलाल करने का तो इसलिए मेरे भाइयों इतिहाद की अजहद ज़रूरत है और इतिहाद उन्हीं असूल और कवायद पर कायम हो सकता है जो अल्लाह ने अपने किताब क़ुरान में रखे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के फरामीन के मुताबिक हमें अपने आप को बनाने में इतहा हासिल हो सकता है वरना अल्लाह के नबी सल्ह वसम ने फ़रमाया कि इंसान जब शुजूज का शिकार होता है यानी जमात से कटने लगता है कट जाता है तो उसकी मिसाल ऐसे ही होती है जैसे बकरियों के रेवड़ से एक बकरी कट जाए और उसको भेड़िया उठा ले जाए तो उम्मत के अंदर इख्तलाफ़ जब पैदा हुआ तो कट गए पारा पारा हो गया जिस तरह से कि एक हार को हार के अंदर जो दाने होते हैं मोतियों के अगर उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो उसे हार नहीं कहा जाएगा वो हार उसी वक्त बनेंगे जब पिरोए जाएंगे उस धागे के अंदर और तैयार किए जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हार कहेंगे इसी तरह से इस उम्मत को उम्मत मुसलिमान नहीं कहा जा सकता है जब तक इस उम्मत के अफराद उसी हार की तरह इस्लाम की लड़ी में ना पिरो दिए जाएं तो इस बात की ज़रूरत है हमें और जहाँ तक मुमकिन हो दीनी इख्लाफात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के उसूल और जवाबित के मुताबिक ख़त्म करने की हमें कोशिश करनी चाहिए इसलिए कि इसी बुनियाद पर इख्लाफ़ ख़त्म होगा अल्लाह रब्लामिन ने क्या फ़रमाया या लदीन आमनू यदीन आमूल्हत रसूल व उलिल उम्रकुम ए अल्लाह की इताअत करो नबी रसूल की इताअत करो और तुम में से मुस्लिम हुक्काम और उलमा की इताअत करो फ़िन तनाज़ा तुम अगर तुम्हारे दरमियान इख्लाफ हो जाए फ़रुद्दूल रसूल तो उस इख्लाफ को अल्लाह उसके रसूल के कोर्ट में ले जा करके हल कर लो तो अख्तिलाफ़ का हल अल्लाह उसके रसूल सल वसम के कोर्ट में होता है जो कुरान है और सुनत रसूल सल्ला वसलम है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए और इलाफात को दूर करने के लिए इस्लामी असूल और जवाबित का इस्तेमाल करना चाहिए अल्लाह रब्लम से दुआ है कि अल्लाह इस उम्म मुहम्मदिया को मुत्तहिद कर दे एक अकीदे पर अकीदे तोहेद पर शिरक़ से इसको दूर कर दे बदात से इसको दूर कर दे खुराफा से इसको दूर कर दे और अल्लाह और अपने रसूल की इतात पर इस उम्म को मतहद कर दे और हर क़स्म के जो दीनी इख्लाफात हैं उन तमाम इख्लाफा को القرآن او سنت کی هل میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین وصل اللہ علی نبینا محمد وَعَلَى آله واصحابه اجمعین